हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो ये है संडे मॉर्निंग। तो मम्मी ने ये सुबह ही सुबह बनाई थी, मतलब ये ना लंच है ना ब्रेकफास्ट है, ये ब्रंच है। तो मम्मी ने बनाई थी यम्मी सी भिंडी, और जो सेकंड साइड पे है वो थी बीन्स। थी बीन्स भी बनती हैं, तो इन दोनों को फ्राई करा था। तो मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अगर मेरे पास ककड़ी, ककुम्बर और अनियन हो तो कुछ बात ही अलग है। तो ये मैंने इसको जल्दी से फिनिश करा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। देन उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से तैयार होके नानी के घर चले गए। तो नानी के घर दावत थी, तो ये मेरी कज़न है, तो बता रही थी वो कि उसने मेहंदी लगाई थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी उसने। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। तो उसके बाद फिर ना खाना लग गया, तो खाने में बिरयानी, चिकन, यम्मी सी खीर, सलाद एंड रायता। रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये सारा आइटम था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था सब कुछ। तो मैंने सब खाया, लेकिन मैंने बिरयानी की क्लिप ली। चिकन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो मैंने बिरयानी ली। आई लव बिरयानी। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में किसको बिरयानी पसंद है एज़ कम्पेयर टू चिकन। बट कम्पेयर, चिकन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और रायता भी। तो ये थी खीर, खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद फिर दूसरे दिन संडे के बाद मंडे की क्लिप थी। तो ये मंडे को हम लोग, मुझे थोड़ा सा काम था स्कूल में, तो ये स्कूल है तो स्कूल में मुझे कुछ स्कॉलरशिप के कुछ काम करना था, तो मैंने वो करा स्कूल में। उसके बाद फिर स्कूल से आते टाइम मैंने आइसक्रीम लिया, तो मैं आइसक्रीम बता रही हूँ। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा आने के बाद, तो मैंने वो खाया। उसके बाद फिर मम्मी ने रात के लिए वो चढ़वाया था अंडे आलू का सालन। आई होप, आई थिंक आप लोगों को पता हो कि अंडे आलू का सालन बनता है। इट्स नॉट अ यूनिक डिश, इट्स नॉर्मल। तो ना उसके लिए ना अपन ने ना पटेटो और ना आलू एग्स को अपन ने ना अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद फिर इसको देखिए ऐसे यूँ जस्ट 2 मिनट्स में अपन ने इसको पील ऑफ कर लिया। उसके बाद फिर ये मसाला, फिर देन उसके बाद अपन ने इसको पीस लिया। अनियन, क्यूमन सीड्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली खड़ी, जो खड़ी होती है ना पूरी, वो डालना है। देन उसके बाद फिर इसके अंदर ना भगोने में तेल गर्म करना है। फिर उसके बाद इसके में जो अंडे अपन ने एग्स जो थे उसको पील ऑफ कर लिया था, उसके बाद इसको इसमें डालना है। फिर अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है बहुत। आप ऐसे भी डाल सकते हैं नॉर्मल, कुछ मन नहीं है, कुछ बिगड़ते नहीं है, लेकिन अच्छा फ्लेवर के लिए ना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इसमें ना उसी के अंदर पटेटोज डालना है, इन दोनों को फ्राई कर लेना है। सालन टाइप की जो सूप टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनको जितना आप पकाएंगे, जितना इसको स्टर करेंगे, फिर लगने नहीं देना, फिर थोड़ा बीच में पानी डालेंगे, फिर मिलाएंगे, जितना मिलाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, उसी का फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होता है। अदरवाइज आता है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा आता है। नाउ इसी के साथ ये जो अपना सालन था अंडे आलू का, वो हो गया है रेडी। उसके बाद फिर हम लोग को ना रात में ना पापा ने एकदम कहा था एक्चुअली कि उनके दोस्त आने वाले, तो हमने जल्दी से प्रिपरेशन करी दावत की। सिर्फ एक ही उनके दोस्त आए थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जल्दी से करा और ना फिर वो आए। हम लोग को पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोग इसकी क्लिप नहीं ले पाए। बस मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी, बिकॉज ना जो ना पापा थोड़े से चिढ़ते हैं ना क्लिप्स के लिए। और ना उसके बाद फिर ना हम लोगों ने जल्दी से सब कुछ साफ़ करा। ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, बस ये ना पूरा दस्तरखान का व्यू है कि ये सब तक। खीर भी प्रिपेयर करी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हम लोग को कुछ भी करने का, अभी हम लोग का कि कुछ भी हम लोग कर पाएँ। तो बस यही था हम लोग का आज का दिन। तो अगर आपको, आप माशाल्लाह से दस्तरखान कितना टेस्टी लग रहा है ना, पापड़ हमने सब कुछ जल्दी जल्दी करा, सलाद रेडी करा। तो इसी के साथ मेरा एक और अजीब गरीब ब्लॉग होता है एंड। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।